अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुश आमदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसू दार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस, 16 तारीख है आज नवंबर की, इज द 16th ऑफ नवंबर, वेंसडे है, मिड वीक है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल वेर एवर यू आर हू एवर यू आर. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन. इट्स द 16th ऑफ नवंबर टुडे, सो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस है. कल जो मैंने सवाल पूछा था ऑफ व्हाई व्हाट डू यू थिंक कि किस कॉमन पाकिस्तानी ट्रेट की वजह से जो है पाकिस्तान पीछे जा रहा है आगे बढ़ने के बजाय, तो बहुत सारे जवाब में एक चीज जो मेंशन की गई थी दैट वाज टॉलरेंस ऑल्सो, यानी बर्दाश्त. तो हम आहंगी का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि जितने हम हॉस्पिटेबल मेहमान नवाज वैसे हैं एज अ नेशन, द टॉलरेंस टुवर्ड्स ईच अदर सरप्राइजिंगली इज क्वाइट लेस. तो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस यानी बैन अल-अक़वामी सतह पर हम आहंगी किस को अपनाते हुए रहना, इंटर कल्चरल, इंटर फेथ, इंटर रिलीजियस, इंटर कम्युनिटी एक कोलैबोरेशन बना के रखना, एक एसोसिएशन बना के रखना और बस मिलजुल के रहना, बेसिकली इसको ऑब्जर्व किया जाता है. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जानिब से इसको इन 1996 रेजोल्यूशन पास किया गया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस जो है वो ऑब्जर्व किया जाए, बिकॉज इट्स नॉट एज इफ कि सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड में हो रहा है, इट्स बीन हैपनिंग सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. कि लोग जब एक दूसरे से एक दूसरे को, मतलब जब दो ग्रोह या दो किस्म के लोग मुख्तलिफ पाते हैं एक दूसरे से, तो डर पहले जाते हैं, घबरा पहले जाते हैं. कबूलियत और अंडरस्टैंडिंग करने की जो एक कोशिश होती है, मेहनत होती है, उससे पहले ही दे आर सो फ्राइटेंड दैट दे डेवलप अ सेंस ऑफ इनटॉलरेंस. एंड दैट इज व्हाट साइंस आल्सो सेज, दैट व्हाट यू आर स्केयर्ड ऑफ, जो चीज समझ नहीं आती है या जो समझ नहीं आता है, तो हम एक डिफेंस मैकेनिज्म अपने सामने खड़ा कर देते हैं. दुआ हम यही कर सकते हैं कि खासतौर पर इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहां इतनी डाइवर्सिटी है, वहां टॉलरेंस थोड़ी बढ़ जाएगी एक दूसरे की तरफ. व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, टिकटॉक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग, एक क्रिएटर पोर्टल है एंड द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड्स ऑन टिकटॉक आर द वंस दैट एम्ब्रेस द क्रिएटिविटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द टिकटॉक कम्युनिटी. ये क्या है और पाकिस्तान के लिए ये क्रिएटर्स पोर्टल क्यों बहुत अहम कंसिडर किया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे. गूगल ने एक नया टूल जो है वो क्रिएट किया है, जिसमें वीडियो आप बना सकते हैं वो टेक्स्ट, जो कि पहले नहीं था. अदर देन दैट, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सम प्लेजेंट एंड सम नॉट सो प्लेजेंट थिंग्स, उस पर भी नजर डालेंगे. बट द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज रिलेटेड टू वुमेन एंड वुमेन इन पाकिस्तान. पांच ऐसी खवातीन का नाम बताइए जो कि अपने अपने शोबे में पाकिस्तानी हैं, हयात हैं, जिंदा हैं और अपने अपने शोबे में बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं. दिस इज गोइंग टू बी अ रियल टेस्ट फॉर यू, बिकॉज अगर मैं लिखती पांच ऐसे लोगों का नाम लिखिए या मर्दों का नाम लिखिए, तो द जवाब वुड कम इन वेरी वेरी क्विकली. दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी. सो आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग यू दिस मॉर्निंग, पांच ऐसी खवातीन का नाम लिखिए, बताइए, जो कि पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं अपने अपने शोबों में और हयात हैं. ये दिस इज द शर्त. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑलराइट, देन द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज, पांच ऐसी खवातीन जो कि जिंदा हैं, हयात हैं और अपने अपने शोबों में बहुत बेहतरीन किस्म का काम कर रही हैं, और ये पाकिस्तानी खवातीन के हवाले से मैं बात कर रही हूँ. अब मेरे पास एक जवाब आया है सवाल. मुझे लगता है कि कभी कभी तो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इतने अच्छे जवाब देते हैं, और कभी कभी देने की खातिर दे देते पढ़े बगैर के लिखा हुआ क्या है. सवाल लिखा हुआ है ना कि फाइव वुमेन हु आर एक्सेलिंग इन देयर फील्ड्स राइट नाउ. तो एक जवाब मेरे पास आया है, तीन ऐसी खवातीन जो नो डाउट बहुत ही अपने अपने तरीके से एब्सोल्युटली फैंटास्टिक थी, बट तीनों हयात नहीं है. तो ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि बजे धोखे जो है वो जवाब तीनों ऐसे खवातीन के दिए जो कि हयात नहीं है. नेम फाइव पाकिस्तानी वुमेन हु आर मेकिंग द कंट्रीज नेम प्राउड बाय एक्सेलिंग इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. एक्सेलिंग का मतलब है जारी है, अंग्रेजी में कंटिन्यूटी में बात हो रही है, करंट बात हो रही है. आई डोंट नीड टू राइट
आर दे अलाइव. मैं तो खैर बहुत ही ज्यादा तफसीली तौर पे चीजों को ट्रांसलेट करके इवन अगर अंग्रेजी में सवाल पोस्ट करती हूँ तो ऑन एयर में तफसीली तौर पे उर्दू में बताती हूँ. जो लोग सुन रहे होते हैं वो मतलब एक्चुअली लिसन कर रहे होते हैं वो समझ जाते हैं. जो सिर्फ हेयर कर रहे होते हैं ये भी कॉन्सेप्ट होता है ना, लिसन एंड हेयर इज डिफरेंस. सो व्हेन यू हियरिंग थिंग्स इट्स जस्ट अ साउंड गोइंग इनटू योर ears and you just absorb whatever you want to absorb. आप वो समझते हैं जो आप समझना चाहते हैं. When you're listening, आप बकायदा तवज्जो दे रहे होते हैं उस शख्स की तरफ जो कि कुछ कह रहा है या कोई आवाज आपको आ रही है उस चीज की तरफ स्पेसिफिकली आप ध्यान दे रहे होते हैं. Anyhow, I'll come back to your जवाब थोड़ी देर में. पांच मैंने नाम पूछे हैं, चले अगर तीन चार भी बता देते हैं तो जबरदस्त हो गया, लेकिन अगर सिर्फ एक बताएंगे तो यार क्या बात हुई. अच्छा, What were we talking about? What's happening around the world and what's happening in Pakistan? It's a very interesting headline. Imran Khan par qatlana hamle ki GIT ka kaam karne se inkaar. Hain? Achha. Punjab Khyber Pakhtunkhwa sarifin ke liye gas mazid mehengi hone ka imkaan. Ek to keh rahe hain ke 16 ghante hogi nahi, upar se jo hogi wo mehengi ho jayegi. Theek. Kya kar sakte hain hum? Rawa saal aalmi satah par carbon ke akhraj mein koi kami na ho saki hai. Koi climate change ke aise प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लिए जा सके जिसकी वजह से कार्बन इमिशन जो है कंट्रोल की जा सके. गुफ्तगु ही चल रही है ये जो हर साल कॉप होता है उस पर, लेकिन एज सच मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं. यकदम नहीं इम्पैक्ट दिखता है, लेकिन इकदाम ऐसे लेने की जरूरत है कि ये तो एटलीस्ट इशारा हो कि हाँ थोड़ा बहुत 0.1% भी इम्पैक्ट आया है फिलहाल के लिए. नहीं, शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी का तनाजे पर इंजरी का तनाजे फिर खड़ा हो गया है. क्या मतलब है इस बात का? कल तक तो ये था कि ही इज नॉट सिवियरली इंजर्ड, ही जस्ट नीड्स टू बी इन रिहैबिलिटेशन फॉर 2 weeks. देखते हैं क्या होता है. फेसबुक पर लिंक क्लिक करते ही 225,000 रुपए उड़ गए. क्या हो रहा है दुनिया में? ट्विटर इंतजामिया ने सार्फीन को खबरदार कर दिया. ट्विटर इंतजामिया आजकल इंतजामिया नहीं बनी हुई है, अजीब उस किस्म की मुश्तंडी गवर्नेंस बनी हुई है जिसना मुश्तंडी गवर्नेंस होती है, जो कि जो मर्जी हम आए करें तुम चुप करके बैठे रहो. लिटरली एक्सपेरिमेंटिंग इज वेरी गुड. आई टॉक्ड अबाउट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड हाउ कभी कभी बहुत एक्सट्रीम किस्म के चेंजेस आते हैं हिस्टोरिकली स्पीकिंग, लेकिन इलॉन मस्क इज डूइंग थिंग्स विच आर बियॉन्ड एसेंट्रिक. उसमें से एक चीज जो कि ठीक है, यू ट्राई यू फेल दैट्स फाइन, लेकिन वेन यू ट्राई एंड यू फेल एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, दूसरों का अगर नुकसान हो रहा है. अब आपने देख ही लिया होगा एक नहीं दो ने पांच ऐसी कंपनियां, चूंकि वो वेरीफाइड टेक आप बस $8 लें और खरीद सकते हैं उसको. यू नो यू डोंट हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एन अकाउंट जिसमें सर्टन नंबर ऑफ आई बिलीव कोई बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं या आपका जो कंटेंट है वो वेरीफाइड है. तो पांच बहुत बड़ी जानी मानी कंपनीज दुनिया भर में, उनके पैरोडी अकाउंट्स बन गए और उनका नाम जो था वो पैरोडी अकाउंट्स यानी फेक अकाउंट्स बन गए. वही लोगो इस्तेमाल करके, वही नाम इस्तेमाल करके, बस जरा सा चेंज करके, और उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें ट्वीट की जो कि उनके स्टॉक्स क्रैश हुए. एक्सक्यूज मी, उनके बिजनेस इंटरवेंशंस जो हैं वो रक गए. बहुत भारी भरकम किस्म का नुकसान हुआ है. सो नए फीचर्स मुतारिफ कराने का मतलब होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता रोल आउट करें. कभी कभी आप एकदम भी रोल आउट कर देते हैं बट यू हैव टू बी एबल टू यू नो be prepared for consequences. I don't think he's prepared at all. So lots of things happening. Let's head towards some more musiqi. Wapis aate hain iske baad. Stay tuned. Panch aisi khawateen ka naam bataiye jo ke Pakistani hain, Pakistan ka naam roshan kar rahi hain apne apne respective shobon mein, fields mein, careers mein and hayat hain, excel kar rahi hain. They are alive and well because in the past we've had many women who've done, you know, great things for Pakistan, but we're specifically talking about current times. That's the question. Hashtag zarur kijiyega apne jawab ko. Coffee mornings with Salmeen ke saath. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. Coming up is the top of the hour. Isliye main Barbar ghadi dekh rahi hu. Wapas aayenge to aapke jawabat bhi shamil karna shuru karenge. We'll also have a look at on this day, International Day of Tolerance ke hawale se to maine aapko bata diya hai ki on this day bain al-aqwami satah par कमेमोरेट किया जाता है, बट उसके अलावा तारीख के हवाले से बात करेंगे कि ऑन दिस डे क्या हुआ था. स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक, दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. ऑन दिस डे इन हिस्ट्री यानी 16 नवंबर को तारीख के हवाले से अगर बात की जाए तो बेनजीर भुट्टो शहीद वॉज
made the first, was elected the first as the first Muslim female prime minister of any Muslim state, which is history. She became the first woman in modern history, modern times ki baat ho rahi hai, to lead a Muslim country. And she served from 93 to 96 during 98 to 1990 and then 93 to 96 dono dafa elect hui thi. But jab pehli martaba elect hui thi to duniya mein, modern world mein, it, you know, it was never heard of that a female Muslim prime minister for a Muslim state jo hai wo elect ki gayi. And the way things were going before that, tasavvur nahi kiya ja sakta tha ki ye bhi hoga Pakistan mein kabhi. 2006 mein American economist Milton Friedman, who was the leading proponent of monetarism, won the 1976 Nobel Prize for Economics. Unki kafi pehle unhone jeeta tha. He died, he passed away. 73 mein Trans-Alaska Pipeline Authorization Act sign kiya gaya tha. US President Richard Nixon ne sign kiya tha. Jo ke connect karta tha oil fields of the Prudhoe Bay in northern Alaska with the harbor at Valdez. Aur ye operational ho gaye the 4 saal baad. Actor Clark Gable, jo ke meri walda ke favorite actor the. Hi, hi, what a man. What a handsome man, vaise seriously. So, जो उनको किंग ऑफ हॉलीवुड भी उनको कहा जाता था, ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक आफ्टर फिनिशिंग वर्क ऑन द मिसफिट्स. क्लार्क गेबल, इन केस यू डोंट नो अबाउट हिम, जस्ट लुक हिम अप. जस्ट देयर वाज दिस ओल्ड स्कूल चार्म जिसको कहते हैं ना, ही वाज जस्ट सो सो क्लासी, वेरी गुड लुकिंग मैन विद दैट वॉइस एंड दैट स्टाइल. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हैंग ऑन, यप, If I'm not mistaken, क्या I do remember correctly, क्योंकि हमने बड़े होने के बाद देखी थी, हमारे हम उतने पुराने नहीं हैं. Clark Gable was also the hero of Gone with the Wind, the very very famous movie, Gone with the Wind. अगर आपने नहीं देखे Gone with the Wind, and if you enjoy good movies and classic movies, 1939 की बनी हुई है. Really, I did not know. Anyhow, और क्या हुआ था जी तारीख के हवाले से अगर बात की जाए तो एड बीच में कहां से आ जाते हैं यार. ब्रिटिश एक्सप्लोरर डेविड लिविंगस्टन वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू सी विक्टोरिया फॉल्स. पहली मर्तबा एक्सप्लोरर थे तो पहली मर्तबा जो है नजर पड़ी थी, पहले यूरोपियन थे जिन्होंने विक्टोरिया फॉल्स देखे थे. और क्या हुआ था कुछ इंटरेस्टिंग. ब्रिटिश मोनार्क हेनरी द थर्ड, उनकी वफात हुई थी एट द एज ऑफ 65, लेकिन ये हुआ था 1272 में. On this day in history, Harry Potter and the Philosopher's Stone release हुई थी for modern day, क्या कहते हैं, references. 2001 में ये हुआ था यार. Harry Potter भी वैसे क्या series थी, the books also and the movies also, just all of them were just so brilliant, completely changed. I'm forever grateful to J.K. Rowling. After what happened recently, couple of years ago, उसमें उन्होंने ऐसी कुछ statements दी थी, not related to her work, but generally speaking, जो कि बिल्कुल acceptable नहीं है, but you can't take away from her what she created. Because youngsters, यानी बच्चे, teenagers, young adults and adults, आप एक ऐसी चीज create करें जो हर एज के लोगों को भाए, motivate करे, inspire करे, you know, awestruck is the correct word to use for the kind of the way the story evolved. And then hats off to all the actors jinhone pehli movie se leke aakhri movie tak, they literally, their lives were all, you know, primarily revolving around Harry Potter. Because jab ek movie shoot hoti hai usme kafi time lagta hai, even though internationally to schedules wagera bahut behtareen tarike se manage kiye jate hain, making sure, you know, everybody's together. But ye bacche pad bhi rahe the, they were really small kids. So this happened, UNESCO found kiya gaya tha ji 1945 mein on the 16th of November, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the UN ke mukhtalif organizational groups hain, usme se jo education, science aur culture ko dekhta hai usko UNESCO kaha jata hai. So yeah, tarikh ke hawale se yehi hua tha. Aapke jawabat ki taraf jate hain is break ke baad. The question that I asked this morning was, 5 aisi khawateen, Pakistani khawateen, jo ke hayat hain और अपने अपने शोबों में बेहतरीन काम कर रही हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, हु आर दोज 5 वुमेन इन योर ओपिनियन? प्लीज मेक श्योर दैट वुमेन हु आर अलाइव. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. आई विल बी बैक आफ्टर दिस, स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, गूगल के एक फीचर के बारे में मैंने जिक्र किया था अर्लियर इन द मॉर्निंग, एंड ऑल्सो अबाउट टिकटॉक एंड ऑल्सो योर जवाब. सो लेट्स ट्राई एंड बैलेंस एवरीथिंग. सो
अच्छा जी, क्रिएटर पोर्टल क्या है? क्रिएटर पोर्टल टिकटॉक का अवेलेबल है दोनों अंग्रेजी और उर्दू में, एंड इट सर्व्स एज एन एजुकेशनल हब फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू कंटेंट क्रिएटर्स रिगार्डिंग द ऑप्टिमल यूज ऑफ टिकटॉक्स फीचर्स, टूल्स, टिप्स एंड क्रिएटर्स, यानी समझे ट्यूटोरियल्स जिस तरह के होते हैं ताकि इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए. शायद आपको लगे कि टिकटॉक लोग सिर्फ जहाज के ऊपर चढ़ के और उड़ने वाले कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और शायद ओरिजिनली इनिशियली शायद उस हवाले से, या जो प्री रिकॉर्डेड ऑडियोज होती हैं जो मौजूद होती हैं उसके ऊपर फनी फनी वीडियोज बनाने से रिलेटेड ही हमने कॉन्टेंट देखा हो. लेकिन मैं पहले भी बहुत मरतबा जिक्र कर चुकी हूँ कि दुनिया भर में टिकटॉक हर तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है. वो ऐसे हर तरह मैं अच्छे सेंस में कह रही हूँ, मीनिंग लोगों को महसूस करने के लिए भी, इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, स्मॉल क्लिप्स रिलेटेड टू एजुकेशन, ट्रैवल, टीचिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो पाकिस्तान में भी जब ट्यूटोरियल मौजूद होगा और आपको उसके फीचर्स बेहतर तरीके से पता चल जाएंगे, चूंकि कंज्यूमर बेस इतना बड़ा है पाकिस्तान में, तो उसके हिसाब से फिर वर्दी कंटेंट, जिसको हम वर्दी समझते हैं, और या कंस्ट्रक्टिव किस्म का कंटेंट और ज्यादा सामने आएगा. तो एक तो ये चीज हो गई. दूसरा, ये गूगल का फीचर जो कि वीडियो के साथ टेक्स्ट क्रिएट करता है. सो हाउ डज इट वर्क? यूजर्स विल हैव टू इनपुट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स व्हिच विल बी इनकोडेड इनटू टेक्स्चुअल एम्बेडिंग एंड विल देन जनरेट अ 16 फ्रेम वीडियो. अ वीडियो विल देन बी यूज्ड टू क्रिएट अ 128 फ्रेम वीडियो विद अ हाई डेफिनेशन ऑफ 5.3 सेकेंड्स. इस्तेमाल करेंगे तो समझ आएगी, इस तरह इतना समझ नहीं आ रहा है. फीचर्स ऑफ द इमेजिन वीडियो, इसको इमेजिन वीडियो कहा जा रहा है, मेक अ वीडियो इंक्लूड, नहीं सॉरी एक मिनट, गूगल लॉन्च अ टेक्स्ट टू वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कॉल्ड, हाँ, इमेजिन वीडियो है. राइट आफ्टर मेटा रिलीज इट्स ओन टूल मेक अ वीडियो. तो मेटा ने भी रिलीज किया और गूगल ने भी किया, सो कॉम्पिटिशन के सेंस में, बिकॉज बेसिकली इट इज ऑल बेस्ड ऑन विजुअल कॉन्टेंट नाउ. स्टिल पिक्चर्स के साथ कॉन्सेप्ट्स को जनरेट करना, जो इंस्टाग्राम का पर्पस था, वो बहुत रिड्यूस हो चुका है. तो मुख्तलिफ कंपनीज जिनके मेन फीचर्स या मेन टूल्स जिनके लिए वो जाने जाते हैं शायद कोई और हो, लेकिन यू हैव टू कीप इवॉल्विंग. सो वीडियो एंड वीडियो को उसी ऐप के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ जनरेट कर सकना इज वॉट डिफरेंट एप्लीकेशन आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स, इवन अगर इनिशियली वो इसलिए नहीं बनाए गए थे. और क्या हो रहा है जी? ठीक है, व्हाट इज दिस? मैं इसको पढ़ना ही नहीं आ रहा है. अच्छा, पढ़ना इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज एक बहुत मुश्किल सा नाम है, फ्रिगिन कैप चोजन एज द पेरिस 2024 मास्कॉट. व्हाट इज द फ्रिगिन कैप? इसको मैं खोलती हूँ. इट्स अ रेड बर्ड, आई एम नॉट फेमिलियर विद इट. I think Phrygian ही होगा because PH है तो फ ही होगा. The अच्छा, it is the symbol of the French Republic, but it is wearing sneakers as a nod to the present. So it is a representation of the French Republic, लेकिन sneakers पहने हुए, लेकिन आजकल के दौर की चीज है. उसको unveil किया गया है परसों as the mascot for the 2024 Paris Olympics. खैरियत से ओलंपिक्स आर समथिंग आई रिमेंबर बड़े होते हुए, वी यूज्ड टू रियली लुक फॉरवर्ड टू देम. इट्स अ क्यूट मैस्कॉट. मैस्कॉट्स का मतलब होता है एक सिंबल होता है जो कि नुमाइंदगी करता है, एंड मैस्कॉट यूजुअली एक बहुत ही क्यूट क्रिएटिव सा यू नो कॉन्सेप्ट होता है. एक्सक्यूज मी, अक्सर क्यूट क्रिएटिव होता है, सीरियस कमी होता है. आज के सवाल के हवाले से आपके जवाब. AB42 कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर, डॉक्टर सानिया निश्तर, मुनीबा मजारी, साइमा सलीम जो UNO को रिप्रेजेंट करती हैं, आई बिलीव वो शी इज ब्लाइंड, एंड जारा नईम डार जो ACCA की टॉपर हैं. थैंक यू फॉर योर जवाब. एंड ऑल्सो आपने कोट शेयर किया, नो नेशन कैन राइज द हाइट ऑफ ग्लोरी अनलेस योर वुमेन आर साइड बाय साइड विद यू. किसने कहा था? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने. एहसन सलीम कहते हैं, साइमा सलीम, शी इज द ब्लाइंड पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द UNO. यस शी इज, और आजकल पिछले हफ्ते गई हुई भी थी, ट्रैवल भी कर रही थी इसी काम से रिलेटेड. डॉक्टर निगहत मीर आप कह रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन किस्म की रूमेटोलॉजिस्ट हैं लाहौर में, 2-3 महीने से पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलता उनका, शी मस्ट बी वेरी गुड एट हर वर्क आई गेस. तीसरा, आपने जो नाम लिया मैं ऑन एयर नहीं ले सकती क्योंकि अपना नाम लेते हुए इंसान को अजीब लगता है, बट थैंक यू वेरी मच. चौथा, आपने कहा सानिया निश्तर, नो डाउट शी इज डन अमेजिंग वर्क. और पांचवा, आपने बहुत ही क्यूट है यार, कहते हैं सुमेरा एहसान, मेरी बेगम साइकोलॉजिस्ट एट द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल. दैट्स सो स्वीट यार.
पांचवा जवाब सबसे अच्छा जवाब है, बेहतरीन हो गया. क्लाइम द वॉल्स ने सिर्फ सानिया नश्तर का नाम लिया, बाकी आपने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़े. देखें, अगर नहीं भी मालूम था, आप नहीं भी बाखबर थे, तो गूगल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इंसान 10-15 मिनट इस्तेमाल कर सकता है. अमेजिंग वुमेन या सक्सेसफुल वुमेन या द वुमेन ऑफ यू नो टुडे. और स्पोर्ट्स के हवाले से कोई कम नाम है. मैं ही इतने ज्यादा शेयर करती हूँ ट्विटर पे, जो कि खवातीन जो कि बहुत ही अमेजिंग काम कर रही हैं. तो स्पोर्ट्स इज ऑल्सो करियर, इट इज काम, राइट. हिटलर अवान कहते हैं सानिया निश्तर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एंड कैन यू पीपल स्टॉप टेकिंग माई नेम प्लीज, थैंक यू वेरी मच उसैद सलमीन अंसारी. रिजवान हारून कहते हैं जहां आरा, नो डाउट जहां आरा इज नोन एज द गुरु ऑफ टेक एंड स्टार्टअप्स एंड शी इज रियली रेवोल्यूशनाइज थिंग्स for the past 20-30 years, if not more. बहुत well respected हैं, बहुत उन्होंने बेहतरीन किस्म का काम किया है. International and local level पर उन्होंने पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से represent किया है. And youngsters बहुत उनसे inspire होते हैं because of the direction that she gives them. तो आपने जहांरा का नाम लिया, फाइजा यूसुफ. Who is फाइजा यूसुफ? एक सेकेंड, आपने टैग भी किया है. She's a product leader, writer, teacher and a community builder. मैं बिल्कुल, I will look it up. I think I've come across her profile before but I'm not sure. तीसरा आपने कहा निगर दाद और चौथा आपने मेरा नाम लिया, बहुत शुक्रिया. अकबर मंसूर खान कहते हैं, अच्छा आपने एक ही जुमले में ना दो बिल्कुल ऑपोजिट किस्म के नाम लिए. पहला नाम आपने मेरा लिया, बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड ऑफ यू. दूसरा आपने कहा सीमा कामिल, बेहतरीन किस्म का काम उन्होंने किया. तीसरा आपने नाम जो लिया, दैट इज मारिया बी. चैलेंज टू ईच जोन में क्या कह सकती हूँ. एंड चौथा आपने कहा थिंकिंग. शहीद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं जनरल निगार जौहर, बिल्कुल. जस्टिस आयशा मलिक, एब्सोल्युटली. मलाला यूसुफ जई, यस. चौथा आपने नाम लिया, इंटरेस्टिंग, थोड़ा लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल, हिना रबानी खर. पांचवा शर्बीन उबैद चनोय एंड छठा दिलाफ मुनीर. ओके, सो कहते हैं अमंग्स द पास्ट वंस नाजिया हसन, नूरजहां, असमा जहांगीर. पास्ट वंस में भी बहुत सारे और नाम थे. एक सेकेंड, सजाद शरीफ कहते हैं मुनीबा मजारी का नाम आपने लिया है, पूरी आपने उनकी बैकग्राउंड बताई है. आई नो मुनीबा माई सेल्फ पर्सनली ऑल्सो, शी इज नो डाउट एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल मुख्तलिफ चीजों की वजह से, इसलिए बिकॉज उन्होंने एडवर्सिटी को कम्प्लीटली चेंज अराउंड किया है टू बिल्ड अ लाइफ, थिंकिंग दैट हर एडवर्सिटी वर्क टू, मतलब टेकिंग हर एडवर्सिटी एंड मेकिंग इट वर्क टू हर एडवांटेज, बड़ी बात है. शी इज अ व्हील चेयर बाउंड एक्टिविस्ट, सिंगर, मोटिवेशनल स्पीकर, टीवी होस्ट, पेंटर एंड जस्ट अ वेरी वंडरफुल पर्सन. मलाला, डॉक्टर यास्मीन राशिद एंड सानिया निश्तर का नाम लिया, ख्वाजा साइन है. सबसे कॉमन नेम जो मैं देख रही हूँ वो सानिया निश्तर का है. मुसैद मुस्कान कहती हैं मेरी वालदा, हाय मासद के, सो स्वीट यार. फिर दूसरा आपने मेरा नाम लिया, बहुत शुक्रिया. तीसरा कहती है मुनीबा मजारी, फिर कहती है मिसेस सारिम बर्नी. ओके, एंड पांचवा डॉक्टर बिल्कीस. डॉक्टर बिल्कीस कौन है, प्लीज डू लेट मी नो. उस्मान अहमद कहते हैं गुड मॉर्निंग, आई वुड लिस्ट डाउन एज फॉलोज, लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर, इनका नाम भी बहुत ज्यादा लोगों ने लिया, विच इज वंडरफुल, शी इज जस्ट फैंटास्टिक, इजंट शी. फिर आपने कहा डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर सानिया निश्तर, सना मीर, व्हाट अ वुमन, एंड सलमीन अंसारी. यार ये किधर से मेरा नाम आप लोग ले रहे हैं, मैं बहुत ब्लश हो रही हूँ. मैं बाकी नाम शामिल, बाकी जवाब शामिल करती हूँ इस कमर्शियल ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, यस्टरडे आई वाज गोइंग थ्रू सम रील्स एंड सम वीडियोस जो कि इंस्पिरेशन रिलेटेड, मतलब एंटरटेनमेंट रिलेटेड तो इंसान देखता ही है, बट आई लाइक टू, बिफोर गोइंग टू बेड आई लाइक टू वॉच यू नो शॉर्ट क्लिप्स ऑन थिंग्स, जिससे दिमाग थोड़ा सा क्लियर हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव, आपका नजरिया थोड़ा डिफरेंट हो सकता है. सो इनफैक्ट आई हैड, मुझे याद तो था, बट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू रीड व्हाट दिस, मैंने उसका वॉल्यूम ऑफ किया हुआ है इस रील का, एंड इट सेज दैट अ बाउट ऑफ एंगर. बाउट ऑफ एंगर मतलब एकदम जो आपको गुस्सा आता है ना, लाइक जोरदार, नॉट कि आप जरा सा बुरा फील करें और शक्ल बनाएं. बाउट ऑफ एंगर का मतलब ये होता है जोरदार तरीके से, आप वो चीख के आप निकालें या आपकी शक्ल पे आ जाए, आप अंदर ही महसूस करें, वो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं. उससे क्या क्या होता है, अप टू 7 आवर्स तक, अब मतलब 7 घंटे तक और उससे ज्यादा, उससे कम भी हो सकता है, आपका जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम, आपकी कुव्वती मदाफियत जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, यानी खराब होती है, बुरी तरह मनफी नौयत का असर होता है उसके ऊपर. ब्रेन फॉग होती है, थिंकिंग की यानी क्लियर, अपने दिमाग को क्लियर करने की कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, आपका इस पर कंट्रोल नहीं होता, दिस जस्ट हैपन्स. यू बिकम मोर प्रोन टू बीमारी, you become more prone to physical and emotional pain. Pain तो चलो, emotional pain तो समझ आता है, physical pain,
दो मिनट का, मतलब कह रहे हैं ना, एक दो मिनट का आपका गुस्सा जो होता है, तो आपकी बॉडी जो रिकैलिब्रेट करना होता है उसको, यानी कि नॉर्मल स्टेट में जो आना होता है, 7 घंटे तक लग सकते हैं. हमें जैसा बताया जाता है ना, गुस्सा हराम है, कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है. कॉन्स्टेंटली चीज़ें हो रही होती हैं जिनसे हम ट्रिगर होते हैं. हम ये नहीं कहेंगे वो ट्रिगर्स हैं, हम ट्रिगर हो रहे होते हैं क्योंकि हम में, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और मेहनत करने की ज़रूरत है टू बी एबल टू कंट्रोल आर बाउट्स ऑफ एंगर. एज आई सेड, कुछ लोग निकालते बाहर हैं, कुछ लोगों की सिर्फ शक्ल पे दिख जाता है, कुछ लोगों की ना शक्ल पे दिखता है ना निकालते हैं, बट वो उतना ही अंदर महसूस कर रहे होते. जो नहीं इतना महसूस करते हैं उनके बारे में ये नहीं है. इमेजिन कीजिए कि यकदम या सिवियर किस्म का गुस्सा आना आपकी जिंदगी का 7 घंटा आपके जिस्म का जहनी और जिस्मानी तौर पे तिया पांचा कर देता है. दोस 2 मिनट्स ऑफ एंग. अब आप कहेंगे, और मैं भी ये सोचती हूँ कि यार कुछ चीज़ों पर ऐसा गुस्सा आ जाता है, बट देन यू हैव टू चूज. खुदा ना करे कोई किसी के साथ कोई ज्यादती कर रहा हो तो समझ आती है कि गुस्सा हो. खुदा ना ख्वास्ता कोई किसी को मार पीट रहा हो, ठीक है, किसी भी जानदार को या इंसान को, यू नो, इस तरह की नाइंसाफी हो रही हो, खुदा ना करे, लेकिन दुनिया में होता है चूंकि, कि कोई किसी को यू नो मार के चला जाए, यू नो कोई मर्डर हो जाए, कोई बिल्डिंग गिर कोलैप्स हो जाए, कोई जलजला आ जाए, वो सैलाब से लोग जो है वो यू नो मुतासर हो रहे हो, और यू नो लेट्स से गवर्नमेंट नहीं उनकी मदद कर रही. इस तरह की चीज़ों पर मैं ये नहीं कह रही हूँ ये जवाब है और जस्टिफाइड है, लेकिन इस तरह की चीज़ों पर समझ आता है. हम और बहुत सारी चीज़ों पर इतना अबाउट, गोल रोटी पर गुस्सा इतना लोग करते हैं ना हमारे मुल्क में, तो गोल रोटी क्यों नहीं बनाई, गर्म रोटी क्यों नहीं बनाई, ठंडी रोटी क्यों सर्व की, समझ रहे हैं आप. मर्द और ख्वातीन दोनों, मेरी इजाजत के बगैर जो है वो तुम घर से बाहर क्यों निकली वाला कॉन्सेप्ट जो उस पर इस लेवल का गुस्सा आप दूसरे शख्स को 1 मिनट के लिए अपनी ईगो के हवाले से तो हम छोड़ ही देंगे ना, वो किसी और दिन हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन गुस्सा 7 घंटे तक आपकी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज कर देता है. यानी कि आप अपने आप को ही अपने एक एक्शन की वजह से ऐसे स्टेट में ले जाते हैं जिसमें आप इतना कुछ और हासिल कर सकते हैं और आप बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे होते हैं. इमेजिन, इम्यूनिटी हमारी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है उस वक्त. एंड आई एम अ वॉकिंग टॉकिंग विटनेस टू दिस, ऑफ तबीयत खराब हो जाना बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गुस्सा, यू नो, यकदम अगर तकलीफ की वजह से, नॉट के लाइक ईगो की वजह से, बट जिस भी वजह से. कमिंग बैक टू आज का सवाल और बकिया जवाब, कोई रह तो नहीं गया, आई थिंक मैंने ज्यादातर शेयर कर लिए थे, बट एक तो थैंक यू वेरी मच इतने भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करने का, एंड दूसरा ये मैं जल्दी से नजर डाल देती हूँ. यासिर अहमद का जवाब था जहांआरा, उन्होंने भी जहांआरा का नाम लिया. कुलसूम लखानी, येस शी इज नो डाउट डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल वर्क इन द स्पेस ऑफ स्टार्टअप्स, खासतौर पर सनामीर, शर्मीनो बैचनोय एंड आपदा परवीन जी. थैंक यू फॉर योर जवाब. सतीश कुमार कहते हैं मलाला यूसुफ़ज़ई, नौरीना शम्स, नौरीना इज ब्रिलियंट, शी इज वेरी इंस्पायरिंग. समर खान, समर इज ऑल्सो डूइंग सम ग्रेट वर्क इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, सो इज नौरीना. डायना बेग, हु इज ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, एंड महूर शहजाद, शी इज ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. आपने 4 स्पोर्ट्स वुमेन का नाम लिया, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है. मैं जल्दी जल्दी नीचे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ना. खुरम शहजाद कहते हैं सलमीन द वन एंड ओनली ब्रेव एंड बोल्ड. अच्छा, जितने ज्यादा लोगों ने मेरा नाम आज लिया है, विच इज हर दूसरा जवाब, थैंक यू वेरी मच. आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी हम्बल्ड. अगर मेरा इतना सभी अगर मेरा, मेरे शो का, मेरी बातों का, मेरी रिसर्च का, मेरे रवैये का पॉजिटिव असर हुआ है, और आप लोग समझते हैं कि मैं अपनी फील्ड में एक्सेल कर रही हूँ, अपनी तरफ से तो कोशिश है. इम्पैक्ट, एक्सेल करना ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए इम्पैक्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है. इम्पैक्ट यानी असर, अच्छे तरीके से मुस्बत नौयत का असर जिंदगी पे, लम्हात पे, आपकी सुबह पे, आपकी सोच पे. तो वो मैं एक्सेल कर रही हूँ कि नहीं, वो दैट्स अप टू यू टू डिसाइड. बट क्योंकि इंसान बेहतर से बेहतरीन होना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, लेकिन अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो थैंक यू वेरी वेरी मच. अमरीन मुनीर कहती हैं डॉक्टर बुशरा मिर्जा एक रिनाउंड स्कॉलर और साइंटिस्ट हैं, सर्विंग एज अ वाइस चांसलर ऑफ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी. शी डिड अ PhD इन 92 फ्रॉम केम्ब्रिज. जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. आई डिड नॉट नो अबाउट दिस, आई डेफिनेटली रीड अप अबाउट हर. सो टू ऑल दोस पीपल हु डिड गिव आंसर्स, ओ जिन्होंने पहले दूसरा जवाब दिया था जो जिंदा नहीं है, समीना बेग, क्या 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 बंदी है, क्या
She's incredible. Mountaineer Samina Beg की बात हो रही है, शर्मीन उबैद एंड निडा निदा डार. So reason why I ask this question is very simple. Just like you know your men, know your women. If you know men in Pakistan who are making Pakistan proud, you should know your women also. इतना सा फलसफा था आज के सवाल का. All right then, it's time for me to go. I think काफी सारी चीजें यार शामिल हो गई हैं. कोई बहुत essential चीज तो नहीं रह गई. पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप लोग नोट कर रहे होंगे, मैं मिनिमम से मिनिमम तरीन पिछले 2-3 हफ्ते से शेयर कर रही हूँ, बिकॉज पहले जहाँ काम करती थी उससे भी काम इसलिए कर रही हूँ बिकॉज एनर्जीज नीड टू बी फोकस्ड और प्लेटफॉर्म्स के जरिए यू नो ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो, पॉजिटिव नॉट सो पॉजिटिव बोथ, बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया दफातर में कॉन्वर्सेशन घर पे बैठ के कहीं ना कहीं हो ही जाती हैं रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. सो आई एम ट्राइंग टू यू नो कीप इट एज मिनिमल एज पॉसिबल. आप भी रोज सुबह, रोज दोपहर, रोज शाम, कोई भी दिन के औकात, कोई 5-10 मिनट निकाला करें टू बी एबल टू टॉक टू योर सेल्फ और समबडी एल्स. अपने आप से गुफ्तगु भी करना बहुत जरूरी होती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, या किसी से भी कोई ऐसी चीज से रिलेटेड जो के इज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिख रहा है, यानी कि जो ज्यादातर लोग जो चीज बता रहे हैं उसके बारे में सनसनीखेज खबर फैल रही, उससे बिल्कुल ऑपोजिट कुछ भी हो सकता है. डिलिबरेट एफर्ट जरूर किया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड सायोनारा. This is Mira FM 107.4.